सो कैसे हो मेरे प्यारे भाई लोग। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज सभी लोग मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। सो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इस प्रकार का हेयर एडिटिंग। देखें दोस्तों आज मैं यूट्यूब पर काफ़ी अधिकतर भाई लोग जो है हेयर एडिटिंग का ट्यूटोरियल लग रहे हैं, सोचे हम भी क्यों नहीं लग रहे हैं आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से। और लोग पूरा फुल डिटेल के साथ नहीं समझा पाए हैं, लेकिन मैं आप लोग दोस्तों पूरा फुल डिटेल के साथ पूरा फुल ट्यूटोरियल लग रहा हूँ। एक आप लोग स्किप नहीं करूँगा, आप लोग फुल डिटेल के साथ समझाऊँगा, ठीक है दोस्तों। और इसका जो मतलब फुल जो फोटो है कुछ इस प्रकार से, इसी के हेयर को हम बनाने वाले हैं कुछ इस प्रकार से यार। तो इसी के लिए दोस्तों आप लोग सबसे पहले कुछ इस प्रकार से हम लोग फोटो एडिटिंग सीखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से बनाने का। उसके बाद से आप लोग इस प्रकार से बनाने सोचिएगा, क्योंकि दोस्तों मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। तो आप लोग सिंपली मेरा यूट्यूब चैनल में आ जाएगा, यूट्यूब चैनल में आएंगे तो नीचे साइड में आप लोगों को मिल जाएगा ये वाला वीडियो देख लेंगे। तो उसके बाद से हेयर एडिटिंग करेंगे तो आसान रहेगा। देखिए दोस्तों मेहनत करेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे, ये मत सोचिएगा कि मैं बिना मेहनत कुछ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद से आएगा हेयर एडिटिंग करना या हेयर एडिटिंग कर मतलब देख लीजिए वीडियो, इसके बाद से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंपली इस फोटो को हम लोग शेयर कर दे रहे हैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन में, वहाँ बता रहे हैं क्या करना है। सिंपली सब तो क्रॉप कर लेते हैं हम लोग, मतलब मान लीजिए छोटा ये है, छोटा कर लेते हैं, जितना छोटा रहता है फोटो हेयर उतना अच्छा से एडिटिंग कर पाते हैं। सिंपली इतना हम लोग कट कर लेंगे दोस्तों, इतना आप लोग भी कट कर लीजिएगा और आ जाएगा फिर टूल्स वाला ऑप्शन पर। अब दीजिएगा यहाँ दीजिएगा स्ट्रेच का ऑप्शन, क्लिक कर दीजिएगा स्ट्रेच पर। क्लिक करने वाला से आप लोग ऊपर साइड में से अपने जो हेयर है इस प्रकार से यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, ऊपर से नीचे साइड में कीजिएगा, यहाँ दिखा दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। कुछ इस बार से कर लीजिएगा, बता रहे हैं दोस्तों हम लोग क्यों किया है, क्योंकि जो हम लोग हेयर बनाएंगे तो हेयर कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, तो इसलिए नीचे कर लिए हैं, काफ़ी अच्छा दिखेगा, ठीक है दोस्तों। सिंपली सो डन की कर रहे हैं सबसे पहले। अब सिंपली इस फोटो को शेयर कर देंगे इस क्रिच बुक एप्लीकेशन में, तब वहाँ से बताएंगे किस तरह क्या करना है इस प्रकार से हेयर एडिटिंग करने के लिए। सिंपली देखिए दोस्तों इस क्रिच बुक आने के बाद से आने पर ब्रश ऑप्शन पर ये वाला ब्रश लेना है। ये वाला ब्रश लेने के बाद सेटिंग भी कुछ पैसा कर लेना है। हम लोग जो आप फिर से देख रहे हैं ऊपर सामने दिख रहे हैं स्टैंडर्ड, क्लिक करके आप लोग कुछ और होगा तो यहाँ स्टैंडर्ड सेट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ ब्रश आ जाएगा और यहाँ से वाइट कलर ले लीजिएगा, कुछ प्रकार लेने वाले वहीं ब्रश चलाइएगा इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं चला रहा हूँ ठीक वही पैसा आपको चलाना है दोस्तों। देखिए यहाँ से जितना हाइट चाहें उतना हाइट यहाँ से उठा ले सकते हैं, इसी ब्रश उठा लीजिएगा, जितना आप लोग हाइट चाहें उतना हाइट उठा लीजिएगा अपने बाल को। लाने के बाद से यहाँ तक लाने के बाद छोड़ दीजिएगा, बाकी काम हम लोग बाद में करेंगे नीचे साइड का, पहले यहाँ तक लाकर छोड़ दीजिएगा, फिर से यहाँ काम करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए तो कुछ बस कर लीजिएगा अपने वाइट कलर से, ठीक है दोस्तों। अब आएंगे यहाँ से ब्लैक कलर कर लेंगे, अब यहाँ से करेंगे पूरा फुल ब्लैक लेंगे यहाँ से कुछ इतना ब्लैक करने के बाद से सिंपली अपने ब्रश को ठीक उस पार से ऊपर चलाइएगा, साइज देख ले रहे हैं थोड़ा पतला कर दे रहे हैं साइज को 5 के आसपास, तो ये 7 है इतना भी अच्छा है 7 करने वाद से। उसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं उसके पास कीजिएगा,
गारंटी आप लोग एक दिन हेयर एडिटिंग सीख पाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम भी एक दिन में नहीं सीखे हैं, काफ़ी मेहनत की है तो इस बार से एडिटिंग सीख पाएंगे दोस्तों, इसीलिए आप लोग मेहनत की जगह जरूर सीखेंगे। जिस प्रकार से प्रेस को चला रहा हूँ ठीक उस प्रकार भी चलिएगा। देखिए उसे इतना हो चुका है, अब सिंपल देखिए सुपर आप लोग समझा दूँ किस तरह मैं किया हूँ। देखिए तो आप लोग वीडियो और फास्ट लग रहा है तो सिंपली वहाँ यूट्यूब में स्पीड कम करने का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप लोग स्लो करके देख सकते हैं। सिंपल देखिए हम लोग ब्रश को लिए हैं इस प्रकार से, सॉरी गलत हो रहा है, इस प्रकार से देखिए हमने किया है फुल यहाँ शुरू किया है और यहाँ लग गया है शुरू किया इस पास ले गए हैं, देखिए उसके पास किए हैं। अब नीचे साइड में यहाँ इस प्रकार से करने वाले हैं, फिर से अब यहाँ इस प्रकार से करेंगे ब्लैक कलर से। अब बाकी रहेगा दोस्तों ये वाला करने के लिए, यहाँ इस प्रकार से किए तो वो वाला सिंपली आइएगा यहाँ से इस प्रकार से कर लीजिएगा। सिंपली इतना हो चुका है, अब क्या कीजिएगा दोस्तों, सिंपली अब यहाँ से ये वाला हम लोग बाकी पार्ट रह गया है ये वाला जो कि ये थे, सिंपली इसको करने के लिए क्या कीजिएगा, सिंपली इस पास कीजिएगा इधर से और इस प्रकार से, सॉरी देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है हम लोग को, देखिए यहाँ जो लग जा रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा उधर बाहर नहीं होना चाहिए, इसको अंदर ही होना चाहिए।
सिंपली इतना काफ़ी दोस्तों, इतना करना चाहिए दोस्तों। किस प्रकार से हम किए हैं, ब्रश को लिए यहाँ से हम लोग निकालें अपने ब्रश को, यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस प्रकार से लगा रहे हैं, बेंड कर दिए हैं यहाँ से, इस प्रकार से लगा रहे हैं, इस प्रकार से कर दिए हैं, ठीक। इस बार सब लोग करना है, आसानी से कर लेंगे, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे दोबारा, तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा। सिंपली आप क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ कुछ पार्ट बाकी रह गया है, सिंपली यहाँ इस प्रकार से कर लेंगे। देखिए सिंपली इतना कर लेने के बाद सिंपली उसका करना है, देखिए अब इतना काफ़ी है, अब ज़्यादा नहीं बनाना है, जहाँ थोड़ा ज़्यादा वाइट दिखेगा वहाँ ब्रश चला लीजिएगा, मतलब ज़्यादा वाइट दिखे तो। अब देखिए वह करना है लास्ट स्टेप, बाकी है थोड़ा सा वाइट कर लेना है, हल्का सा वाइट, इतना इतना वाइट करने वाला, ज़्यादा वाइट नहीं, हल्का सा वाइट। और ब्रश को हल्का सा पहले से नीचे साइड यहाँ करते हैं हम लोग, थोड़ा और वाइट करते हैं, चलिए हाँ काफ़ी है इतना। अब नीचे इसमें ड्रॉ करेंगे रियल लुक लाने के लिए, जैसे रियल लुक आता है थोड़ा वाइट रहता है तो। देखिए दोस्तों कमाल का हो चुका है, सिंपली अब थोड़ा और इसमें करते हैं। अब चलिए इतना काफ़ी, इतना करने वाला सिंपली जहाँ ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है वहाँ थोड़ा और चला लाते हैं हम लोग, इसके बाद से कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का फोटो। देखिए यहाँ बाकी रह गया है, यहाँ फिर वाइट शेड करके इसमें भी कर लेंगे रियल लाने के लिए, रियल लुक लगता है इससे वाइट कलर है तो। देखिए अब कमाल का हो चुका है, सिंपली अब इसको सेव कर लेंगे, आएगा फोटो बता रहे हैं दोस्तों क्या करना है। अब सिंपली आप लोग एक बार और समझा रहे दोस्तों, सबसे पहले वाइट कलर लेना है पूरा, इसको अच्छे से इसको कर लेना है वाइट कलर से, उसके बाद से ब्लैक कलर लेना है और अच्छे से इसको इस बार से कर लेना है, उसके बाद से नीचे हेड कर लेना है, उसके बाद इस प्रकार से इधर कर देना है, करना है इसको सेव कर लीजिएगा। अब इस फोटो को शेयर कर दीजिएगा इस एप्लीकेशन में, टूल बीज एप्लीकेशन नाम है इसका, टूल बीज आप लोग सिंपली प्ले स्टोर मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा उस फोटो को इस एप्लीकेशन में। सिंपली शेयर करते हैं हमने फोटो को हम, आने के बाद यहाँ दीजिएगा इफेक्ट का ऑप्शन, यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे, इफेक्ट पर क्लिक करने वाला मिल जाएगा आप लोगों को सॉफ्ट म्यूज का ऑप्शन, क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करने वाले से आप लोग मिल जाएगा यहाँ पर, जितना चाहे उतना आल पेंटिंग यहाँ से कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। चलिए हम पाँचवें नंबर कर लेते हैं, चौथा नंबर जो है चौथा नंबर करते हैं, आई भी जो लिखा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ से दीजिएगा मार्क्स का ऑप्शन क्लिक करके दीजिएगा, यहाँ से क्लीन का ऑप्शन क्लीन कर दीजिएगा, और उसके बाद अपने हेयर में इस बार से अप्लाई कीजिएगा। देखिए दोस्तों कमाल का फोटो हम लोग हो चुका है, अब सिंपली इसको सेव कर लीजिएगा गैलरी में, हम लोग काफ़ी कमाल का फोटो बन रेडी हो जाएगा।